पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन, अल्टीमेटली कि हम क्यों करें, रिसर्च डिजाइन क्यों बने, इसका आंसर। सो द पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन मींस व्हाट आर द पर्पस बीइंग सोल्व बाय द रिसर्च डिजाइन। मतलब क्यों हम रिसर्च डिजाइन में क्या क्या ध्यान रखेंगे, कौन कौन से काम के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे आदि आदि पे चर्चा। सो द रिसर्च डिजाइन इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द इंडिपेंडेंट एंड वैलिड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रिलेशनशिप ऑफ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स। ये तो हम लोगों ने शुरू में कहा कि रिसर्च डिजाइन या एक्सपेरिमेंटल डिजाइन और डिजाइन का जो सोफिस्टिकेटेड कंसेप्ट है, वैसे तो डिजाइन कहीं भी हो सकता है, हम लोगों ने इसकी चर्चा की, रिसर्च में जो भी प्लान है सब, लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए, खासकर एक्सपेरिमेंटल मेथड के इम्प्लीकेशन में, जो रिसर्च करते हैं उसके डिजाइन से संबंधित हम यदि बात करें तो मुख्य रूप से वही काम है कि बिना डिस्टॉर्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का प्रभाव डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखे, इसकी योजना बनावें, इसका प्लान बनावें, यही रिसर्च डिजाइन है। तो ये कौन कौन सा पर्पस सर्व करता है, सो फॉलोइंग आर सम ऑफ इट्स पर्पसेस। इसके जो कुछ पर्पस है जो इम्पोर्टेंटली आपको मेंशन करना है, इसमें पहला पर्पस है आंसर टू रिसर्च क्वेश्चन। पहला पर्पस रिसर्च डिजाइन का है कि जो हाइपोथेसिस है, मैंने कहा भी कि रिसर्च डिजाइन, रिसर्च क्वेश्चन इज ए टाइप ऑफ हाइपोथेसिस, उसका जवाब ढूंढना, उसको इन्वेस्टिगेट करना, उसको टेस्ट करना। रिसर्च डिजाइन हेल्प्स द रिसर्चर टू नो द आंसर्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक व्हाट टू ऑब्जर्व, हाउ टू ऑब्जर्व, हाउ टू एनालाइज द ऑब्टेंड डाटा। It enables the researcher to draw valid conclusions regarding the research questions. मतलब जो रिसर्च के क्वेश्चंस हैं या जो हाइपोथेसिस है उसको टेस्ट करना, वन ऑफ द मेजर पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन। द नेक्स्ट पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन इज टू कंट्रोल वेरियंस अंडर स्टडी, टू कंट्रोल वेरियंस अंडर स्टडी, क्योंकि वेरियंस को कंट्रोल करके ही वेरियंस का के इफेक्ट को मेजर करते हैं। जो आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं वो वेरिएशन को ही मेजर करने के लिए करते हैं। तो इसके अंदर में ही है या सेपरेट बना लीजिए अलग अलग, कि हम लोग कौन कौन कुछ वेरियंस हमारे ऐसे हैं जिसको हम कंट्रोल करते हैं और कुछ को चाहते हैं कि इसका ज़्यादा मैनिपुलेशन का इफेक्ट ज़्यादा दिखे, इसीलिए तो हम लोग रिसर्च करते हैं या एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का इस्तेमाल करते हैं। सो कंट्रोल ऑफ वेरियंस इज द की टेक्निकल पर्पस ऑफ ए रिसर्च डिजाइन। वेरियंस इज ए मेजर, ये डिफिनीशन है जिसको, वैसे भी वेरियंस वेरिएबिलिटी से रिलेटेड है और हम लोग आमतौर पे जो वेरिएंस का इस्तेमाल करते हैं, कहीं हम लोगों ने शायद वो उधर हमने किया भी होगा। सो इट इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, शायद एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पे हम लोगों ने उसकी चर्चा की, वेरिएंस पे फिर बात और भी होगी आगे। सो कंट्रोल ऑफ वेरिएंस इज द की टेक्निकल पर्पस ऑफ ए रिसर्च डिजाइन। वेरिएंस इज ए मेजर ऑफ डेविएशन व्हिच इज अबाउट स्कैटरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम मीन, क्योंकि जो डाटा का वेरिएशन है या स्कैटरिंग है मिडिल से बाईं तरफ, मिडिल से दाईं तरफ, इसी को हम लोग वेरिएबिलिटी कहते हैं। तो वेरिएंस भी उसी से रिलेटेड है। अबाउट स्कैटरिंग ऑफ डाटा फ्रॉम द मीन इन बोथ डायरेक्शन, इन फैक्ट वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड डेविएशन बेस्ट मेजर है हमारा, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी का, और वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन का
स्क्वायर है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू वेरियंस। पहला इसी का पार्ट अलग अलग यदि कर दें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, अलग पॉइंट बना दें या इसी को लिख दें, दोनों कर सकते हैं आप, या तो इसको 2a 2b 2c करें या फिर 3 4 5 कर दें, बातें यही हैं क्योंकि वेरियंस सब में है। टू मैक्सिमाइज सिस्टमेटिक वेरियंस, वही मतलब एक वेरियंस इसको है जिसको हम लोग सिस्टमेटिक वेरियंस कहेंगे, इसको सिस्टमेटिक वेरियंस को बढ़ाना है, मतलब ज्यादा हो जाए। दिस इज वन पर्पस। सिस्टमेटिक वेरियंस इज ड्यू टू ट्रीटमेंट इन डिपेंडेंट वेरिएबल ड्यू टू द मैनिपुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल वेरियंस। मतलब ये सिस्टमेटिक वेरियंस इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल वेरियंस, ये याद रखिएगा। दिस मे बी आस्क इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन इन योर नेट एग्जामिनेशन एंड लाइक दैट। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सपेरिमेंटल वेरियंस। इन ए रिसर्च एक्सपेरिमेंट वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ सिस्टमेटिक वेरियंस। रिसर्च का तीन पर्पस जो मुख्य है रिसर्च डिजाइन का खास के, पहला टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ सिस्टमेटिक वेरियंस, कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरियंस एंड मिनिमाइज एरर वेरियंस। मतलब तीन काम वही आएगा कि इससे रिलेटेड जो ये दूसरा पॉइंट है हमारा कि हम लोग सिस्टमेटिक वेरियंस को बढ़ाएंगे। एक्सट्रेनियस वेरिएबल के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि वह वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करता है और उसके हटाने के कई सारे तरीके हैं, तो एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम लोग हटा दें, बिल्कुल खत्म दें। और पिछले दिनों हम लोगों ने कहा कि यदि एक्सट्रेनियस वेरिएबल को हम लोग यदि नहीं हटा सकते हैं तो कम से कम ऐसी कोशिश करें कि उसके इफेक्ट को कॉन्स्टेंट रखें, और तीसरा एरर कहीं भी इनहिबिटेबल है, क्योंकि एक प्रोवर्ब यह है कि ह्यूमन इज टू एरर, मानव है तो गलती हो। तो यहाँ भी ऐसा ही कोई एक एक्सपेरिमेंटल कंडीशन की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं जो फुल प्रूफ हो, जिसमें कोई एरर हो ही नहीं सके। तो कहता है कि मिनिमाइज द एरर वेरियंस। तो अंडर दिस हेड वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ सिस्टमेटिक वेरियंस, और ये सिस्टमेटिक वेरियंस वह वेरियंस है जो मैनिपुलेशन के कारण है और वो वांछित है, अवांछित नहीं है। हम चाहते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन का इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे दिखे, और इसी वेरियंस को सिस्टमेटिक वेरियंस या एक्सपेरिमेंटल वेरियंस कहते हैं। सो द पर्पस इज टू मैक्सिमाइज दिस सिस्टमेटिक वेरियंस और कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल एक्सट्रेनियस वेरियंस एंड मिनिमाइज एरर वेरियंस। दीज आर द थ्री मेजर पर्पजेस। तो यहां हम लोगों ने कहा कि इन ए रिसर्च एक्सपेरिमेंट वी ट्राई टू मैक्सिमाइज द इफेक्ट ऑफ सिस्टमेटिक वेरियंस, कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरियंस एंड मिनिमाइज एरर वेरियंस। तीन वेरियंस की चर्चा। नेक्स्ट जो आपका है इट इज रिगार्डिंग दिस एक्सट्रेनियस वेरियंस, मतलब अलग से पॉइंट बना लें या वहीं लिखते हैं। टू कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरियंस, एक्सट्रेनियस वेरियंस इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सट्रेनियस वेरिएबल व्हिच एक्ट एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड हिंडर्स द फाइंड आउट ए फेयर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस वेरियंस नीड्स टू बी इलिमिनेटेड बाय कंट्रोलिंग द एक्सट्रेनियस वेरिएबल सो दैट रिलायबल एंड वैलिड वियरिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल कुड बी अचीव्ड। मतलब वो इंटरनल वैलिडिटी मेंटेन कर सके, एक्सटर्नल वैलिडिटी को भी ऑब्टेन कर सके। इसके लिए जरूरी है कि आप एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करें। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव या फिर पॉइंट जो ये चौथा में अलग से लिखें या यहाँ लिखें, और पांचवा में टू मिनिमाइज एरर वेरियंस। The error variance is the variance that occurs in a function of the factors
नॉट कंट्रोलेबल बाय द एक्सपेरिमेंटर, इट मे बी ड्यू टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ सब्जेक्ट्स, एरर ऑफ मेजरमेंट एक्सेट्रा. ए स्टैटिस्टिकल कंट्रोल मे मिनिमाइज एरर वेरियंस, मतलब स्टैटिस्टिकल कंट्रोल है जिसकी मदद से भी हम एरर वेरियंस को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ उसकी हम बात नहीं करेंगे. लेकिन चर्चा हम कर दे रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने एनालिसिस ऑफ वेरियंस को पढ़ा, उसी तरह से एक मेजर, एक स्टैटिस्टिक्स ऐसा है एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस, एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस एंड कोभा, वहां हम लोगों ने एनोवा लिखा था, एनालिसिस ऑफ वेरियंस एंड एनालिसिस ऑफ कोवेरियंस. तो उसकी मदद से थोड़ा सा कुछ को न्यूट्रलाइज करके, इट इज वेरी सिमिलर टू जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि पार्शियल आउट जो हम लोग करते हैं कोरिलेशन के केस में, मतलब बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स को हमने पढ़ा, उसमें मल्टीपल और पार्शियल कोरिलेशन भी हम लोगों ने पढ़ा है. पार्शियल कोरिलेशन से जिस तरह से हम एक वेरिएबल के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं और स्वतंत्र दोनों को देख सकते हैं, उसी तरह का काम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कोवेरियंस भी करता है. तो यदि हम नटसेल में कहें तो पहला काम तो है कि हाइपोथेसिस टेस्ट करना, रिसर्च क्वेश्चंस का सही से ठीक से कंप्लीट जवाब देना, क्योंकि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें मैनिपुलेशन होगा ही, मैनिपुलेशन के प्रभाव को डिपेंडेंट वेरिएबल देखेंगे. तो इसमें और ये कंट्रोल वेरियंस, तीन तरह का वेरियंस है, सिस्टमेटिक वेरियंस जिसको बढ़ाना है, एक्सट्रेनियस वेरिएबल को बिल्कुल कंट्रोल कर देना है जितना अधिक हो, या नहीं तो कम से कम कांस्टेंट कर दें, हालांकि कांस्टेंट भी उतना अच्छा स्टेप नहीं है. और तीसरा, जितने भी और संभावित एरर है, इनइविटेबल है, एरर तो थोड़ा बहुत रहेगा ही, लेकिन जितना ज्यादा हम एरर को कर सकते हैं उसके लिए भी डिजाइन में गुंजाइश होती है. सो द मेजर पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन यू कैन से द वन एंड टू, और ये टू में ही सिस्टमेटिक वेरियंस अलग, एक्सट्रेनियस वेरियंस अलग और एरर वेरियंस अलग, तो आप अलग से भी पॉइंट उसको बना सकते हैं. सो द मेजर पर्पस ऑफ रिसर्च डिजाइन इज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस, टू आंसर रिसर्च क्वेश्चंस एंड टू मैनेज, किस तरह से मैनेज करना है वो अलग है, टू मैनेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, दोज आर सिस्टमेटिक, एक्सट्रेनियस एंड एरर. थैंक यू.